दोस्तों इस तरह की लाइट बनाने के लिए एक पीवीसी पाइप के टुकड़े का यूज करेंगे। दोस्तों इसकी हाइट की बात करें दोस्तों 1.5 फुट है, और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें दोस्तों वो है 4.5 इंची। दोस्तों इसमें हम LED स्ट्रिप लाइट का दोस्तों यूज करेंगे। ये इसका दोस्तों कंट्रोलर है, और दोस्तों इस कंट्रोलर को ऑन करने के लिए हम इसमें 12 वोल्ट एडाप्टर का दोस्तों यूज करेंगे। और इसमें दोस्तों एक हम ग्रीन और रेड ब्लू की एक LED सर्किट और एक मोटर गियर और दोस्तों एक लेंस। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम एक आयरन से होल कर देंगे, जिससे ये दोस्तों जो हमारी कंट्रोलर है उसका जो सॉकेट है पिन की, वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लग जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों हम LED इस लाइट को कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे करके लगाएंगे। तो इसको जो LED इस लाइट का जो दोस्तों मेन प्लग है दोस्तों, उसको हम यहाँ पर आयरन से होल करके कुछ इस प्रकार से इसको अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम इसमें एक वाइट ट्रांसपेरेंट टैप को दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम यहां पर लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम जो LED इस ब्लाइट की दोस्तों जो झालर है दोस्तों, इसको हम कुछ इस प्रकार से दोस्तों राउंड शेप में दोस्तों यहां पर हम इसको कनेक्ट कर लपेटते हुए दोस्तों चलेंगे। इसमें से दोस्तों करीब जो हमारे लाइन दोस्तों हम इसमें डालेंगे वो दोस्तों इनके बीच में 1 फुट का दोस्तों गैप हमें छोड़कर दोस्तों चलना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम इनको ऐसे ही करके इस पूरे पाइप पर दोस्तों हमें LED इस ब्लाइट को दोस्तों लपेट लेते हैं। तब तक दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे एक वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने LED इस ब्लाइट को दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार दोस्तों इसके पूरे पाइप पर दोस्तों हमने इसको लगा लिया है। लगाने के बाद दोस्तों हम इस पर अब टेप को भी लगा देंगे, जिससे दोस्तों ये हमारी यहीं पर स्थिर रहे। तो वाइट टेप को दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों चिपका दिया है। और अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक दोस्तों कागज़ के दोस्तों गत्ते के टुकड़े को दोस्तों राउंड शेप में कुछ इस प्रकार से कट करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर दोस्तों हम इसमें 5 वोल्ट गियर मोटर को दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों। और अब इसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर दोस्तों एक सर्किट को लगाएंगे, जिसमें 3 LED दोस्तों कनेक्ट हैं ऑलरेडी, जिसमें एक रेड है, एक ग्रीन है और दोस्तों एक ब्लू है। ब्लू गन की मदद से दोस्तों हम इन सर्किट को यहाँ पर दोस्तों लगा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमारी जो गियर मोटर है, इसके कनेक्शन दोस्तों हम इस सर्किट प्लेट में से ही कर देंगे दोस्तों, जहाँ पर प्लस माइनस के दोस्तों पिन दी गई हैं, वहाँ पर हम इन दोनों वायरों को दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। अब ये 2 वायर दोस्तों हमारे जो बचे हैं ब्लैक और रेड, ये दोस्तों हमारे AC पावर सप्लाई के लिए दोस्तों रहेंगे। तो इनको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों बाहर निकाल लेंगे। और अब इसके बाद दोस्तों हम इसको इसके PVC जो पाइप पर दोस्तों हमने LED ब्लाइट को दोस्तों लपेटा है, इसके ऊपर वाले भाग पर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों हम इसमें LED इस ब्लाइट के दोस्तों कंट्रोल को यहाँ पर चिपका लेंगे। और अब इसके बाद दोस्तों हम इसके एक लीड को दोस्तों यहाँ पर पाइप के अंदर से डालकर हम इसमें दोस्तों दोनों वायरों को दोस्तों जोड़ देंगे। और इसके बाद दोस्तों फिर हम इसके ऊपर टेप को लगा देंगे। और अब इसके बाद दोस्तों हम इसको यहाँ पर इसके ऊपर ग्लू गन से दोस्तों इसको चिपकाने के बाद यहाँ पर उसके लेंस को भी दोस्तों फिक्स कर देंगे। तो लेंस को थोड़ा ऊपर से दोस्तों इसकी जो गियर की जो शाफ्ट है दोस्तों उसको थोड़ी बड़ी है, तो उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद दोस्तों हम इसमें स्क्रू से दोस्तों इस लेंस को भी दोस्तों लगा देंगे। तो इसको दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और अब इसके बाद दोस्तों हमें इसमें इसको PVC पाइप के ऊपर दोस्तों इसको लगा देंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको यहाँ पर चिपका दिया है। और अब दोस्तों अब हमारी लाइट को देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो लाइट है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं हमने ऊपर जो डिस्को लाइट बल्ब आता है उसको हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाया है, और LED इस प्लाट को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हमने लपेटा है। तो दोस्तों ये हमारी जो लास्ट है वो दोस्तों बहुत ही गजब दोस्तों लगने वाली है। तो दोस्तों अब इसको हम आपको एक बार टेस्ट करके दिखाते हैं कि दोस्तों हमारी जो लाइट है उसका दोस्तों परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी लाइट को दोस्तों ऑन करके दिखाते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं हमने लाइट को कर दिया है ऑन, और आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें ग्रीन, रेड, ब्लू और दोस्तों येलो सारे कलर हैं दोस्तों। और आप तो दोस्तों देख सकते हैं दूर से दोस्तों हमारी जो लाइट है वो दोस्तों कितनी अच्छी दोस्तों लग रही है। दूर से दोस्तों हम आपको जब दिखा रहे हैं तो हमारी जो लाइट है वो दोस्तों काफ़ी दोस्तों अच्छी लग रही है दोस्तों देखने में। थोड़ा आपको देख सकते हैं नज़दीक से हम दिखाते हैं तो जो हमारी जो लाइट है दोस्तों उसका जो दोस्तों प्रकाश है वो दोस्तों काफ़ी एरिए में दोस्तों दूर तक जा रहा है और देखने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहो तो इसके जो एलईडी स्ट्रिप लाइट का दोस्तों जो कंट्रोलर था इसके साथ दोस्तों एक रिमोट भी आता है, आप जिसकी मदद से अगर आप चाहें तो इसको दोस्तों आप रेड कलर का जलाना चाहें तो उसमें रेड कलर का बटन है उसको पुश करेंगे तो रेड जलेगी, अगर आप दोस्तों येल्लो की जलाना चाहें तो येल्लो और ब्लू जलाना चाहें तो ब्लू का बटन प्रेस करना होगा। तो अभी दोस्तों हमने इसमें रनिंग में दोस्तों इसको किया गया है इस वजह से दोस्तों जो हमारी एलईडी स्ट्रिप लाइट है वो दोस्तों रनिंग में दोस्तों मूव कर रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं देखने में दोस्तों हमारी जो लाइट है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों। और इस लाइट को दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा दोस्तों हमने इसको घर पर ही तैयार किया है और वो भी दोस्तों बहुत ही कम बजट में दोस्तों इसको हमने बनाया है, वो भी एक बेस्ट पीवीसी पाइप और दोस्तों एक एलईडी स्ट्रिप लाइट और एक डिस्को लाइट बल्ब से दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ और दोस्तों एचडी वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।